हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज मैं लौकी और काबुली चना का सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 100 ग्राम काबुली चना लेंगे। इसे रात भर के लिए भिगो के रख दी थी। अब इसे प्रेशर कुकर में डाल के उबालेंगे। उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के उबालेंगे। दो से तीन सीटी तक। देखिए हमारा काबुली चना उबल गया है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। लौकी की सब्जी के लिए एक बड़ा सा लौकी लेंगे, लगभग 500 ग्राम है। अब इसको छिलका उतार के साफ कर लेंगे। अब एक भंगोना में पानी गर्म करेंगे 1 लीटर। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब पानी को गर्म होने देंगे। तब तक लौकी को काट लेंगे बड़े बड़े टुकड़े में। देखिए ख्याल रहे कि इसमें बीज ना होना चाहिए। बीज वाला लौकी का सब्जी अच्छा नहीं बनता है। देखिए मैं लौकी ली हूँ, इसमें एक भी बीज नहीं है। देखिए अब हमारा पानी गर्म हो गया है। अब उबलता हुआ पानी में लौकी को डाल देंगे। अब एक उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल आ गया है, अब इसको छलनी में छान लेंगे। अब इस पानी को ढक कर रख देंगे। हम इसी पानी में पकाएंगे। गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई बैठाएंगे। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। अब 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। आठ दस लहसुन का कली डालेंगे। अब 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। अब 2-3 तेजपत्ता डालेंगे। अब 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। 10-12 साबुत काली मिर्च डालेंगे। 3-4 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे। मेरा 2 बड़ा प्याज था, मैं स्लाइस में पतला पतला काट लिया। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे कि हमारा प्याज गल जाए। ये सब्जी बनाने में आधा घंटा लगता है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। दो बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। आधा चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब सबको पानी डाल के घोल बनाएंगे। हमारा मसाला का घोल तैयार हो गया। और प्याज भी भून के गोल्डन ब्राउन हो गया। अब फ्लेम को लो करेंगे। अब आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मसाला का घोल डालेंगे।
लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाला को भून लेंगे। अब एक कटोरी मेरा टमाटर का प्यूरी है उसको डाल लेंगे। 2 मीडियम साइज का टमाटर था उसका पेस्ट बना लेती हूँ। फ्लेम को हाई करेंगे। उबला हुआ लौकी को डालेंगे। अच्छे से चलाकर 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए 2 मिनट हो गया, फिर से ढककर हटा के इसको चला लेंगे। इसमें काबुली चना डालेंगे उबला हुआ। फिर से इसको ढक्कन लगा देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जो उबला हुआ लौकी का पानी था अब उसमें डालेंगे। 3 से 4 कलछुल डालेंगे और उसी में पकाएंगे। कम पड़े तो उसी पानी को डाल डाल को पकाना, दूसरा पानी यूज नहीं करेंगे। फिर से ढक के पकाएंगे। अब ढक्कन हटाएंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी ना हो तो आप कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। इसको चलाकर फिर से ढक देंगे। 2 मिनट हो गया, ढक्कन हटाएंगे। एक चम्मच के सहायता से देखेंगे मेरा लौकी कितना पका है। फिर से ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गया, ढक्कन हटाएंगे। ये हमारा लौकी पक गया है। अब गैस को ऑफ करेंगे। अब एक बड़ा बर्तन में निकालेंगे। हमारा कितना बढ़िया काबली चना और लौकी का सब्जी बनके तैयार हुआ है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।